और दिवाली में दिल्ली की हवा और खराब हो गई है। दिवाली में फोड़े गए पटाखों की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की अपील के साथ कुछ नियम भी बनाए थे, लेकिन जश्न में दिल्ली वालों ने जमकर आतिशबाजी की। पटाखों की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। वहीं एयर पॉल्यूशन को देखते हुए जगह जगह पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो दिवाली के बाद जिस तरह से खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा खतरनाक यहां पर हो गई है, क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। हालांकि प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव यहां पर जगह जगह पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार के जो प्रयास हैं वो विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर कई नियम यहां पर बनाए गए, लेकिन लोगों ने उन नियमों को दरकिनार किया। जमकर आतिशबाजी दीपावली पर की गई है, जमकर पटाखे यहां पर फोड़े गए हैं, लेकिन अब आज सुबह जिस तरह से हवा का रुख यहां पर देखने को मिला है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से भी पार जाकर पहुंच गई है, उसके बाद दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए ये हवा और भी जहरीली होती चली गई। ग्रीन पटाखों की अपील दिल्ली सरकार के जरिए की गई थी और कोशिश ये थी कि लोग कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने कल दीपावली के मौके पर जमकर पटाखे फोड़े हैं, जमकर आतिशबाजी की है। नतीजन ये कि आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वो काफी ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा जहरीली है।